Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So, जैसे कि आप लोग को पता है मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ अप्रैल 2020 का, राइट? सो अब तक हमने MCQ दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और 1 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है? तो आज हम सॉल्व करेंगे 2 मार्क क्वेश्चंस, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और इसका लिंक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और उनको भी सब्सक्राइब करने को ज़रूर बोलें, ठीक है? सो ये यहाँ पे अपडेट देख सकते हो कब का ये क्वेश्चन पेपर है, ओके? सो देखते हैं। अच्छा, उससे पहले अभी हमने देखा लास्ट वीडियोस में, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो अगर देखे नहीं हो तो। MCQ में 8 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स ईच, तो ये क्वेश्चन हो गया, ये समझ लो मार्क्स हो गया, और 1 मार्क के भी 8 क्वेश्चंस होते हैं, सो 8, सो ये ऑलरेडी 16 मार्क्स हो गए हैं, ईजिली आप स्कोर कर सकते हो। और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आज हम देखेंगे, पहले तो देखेंगे कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 है और यहाँ पे 5 6 7 8, ये भी 8 क्वेश्चंस होते हैं। सो 8 क्वेश्चंस बट ये 2 मार्क्स ईच होते हैं, तो 16, सो 16 16 32, ओके? सो जो बच्चे सिर्फ पास होने के लिए कर रहे हैं उनके लिए देखिए 28 स्कोर करोगे तो आप इजिली पास हो जाओगे। तो अगर आप MCQ 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन से अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपका मैथ्स एग्जाम समझ लो क्लियर है, बट सिर्फ पास होने से काम नहीं चलेगा, आपको एम आउट लाने का रखना है, दैट इज 80 आउट ऑफ 80, ठीक है? इतना आप एम रखिए, ओके, आउट ऑफ आउट, तभी आप इसके करीब पहुंच सकते हैं या आउट ऑफ आउट ला सकते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। तो क्या दिया है, सॉल्व 2xy = 11 एंड x + y = 8, तो ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x + y = 11 एंड x + y = 8। तो इन सारे के वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इसको डिटेल में कैसे एक्सप्लेन करना वो भी बताया मैंने, यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा बाय एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए हमें एलिमिनेट करना होगा या तो x को या फिर y को, करेक्ट? x या y को हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, मतलब हटा देंगे उसको, जीरो कर देंगे, तो y का वैल्यू मिल जाएगा या फिर x का वैल्यू मिलेगा। तो वो कैसे होगा, जब x और y इन दोनों में, दोनों इक्वेशन में, ये समझ लो इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, अगर दोनों में कोएफिशिएंट x का सेम है या y का सेम है तो हम जिसका सेम है उसी को कैंसिल कर सकते हैं, उसी को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो y और y दोनों क्या है, सेम है, करेक्ट? बट इनका साइन देखो, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, राइट? तो y प्लस y क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, साइन बदल देंगे, अब ये प्लस को माइनस बनाएंगे, तो सिर्फ ये y नहीं, x का भी चेंज होगा और ये कांस्टेंट इसका भी चेंज होगा, साइन चेंज होगा, तो ये प्लस एक्स, ये भी बन जाएगा माइनस एक्स, कुछ दिया नहीं है मतलब प्लस ही है, और ये प्लस 8 बन जाएगा माइनस 8। तो अब देखिए 2x माइनस एक्स करना है आपको, सो 2x माइनस एक्स होता है सिर्फ x, और ये y माइनस y करना है, तो ये हो गया 0, एलिमिनेट हो गया, इक्वल्स टू 11 माइनस 8 कितना होगा, इट इज 3, करेक्ट? तो x मिल गया, अब y को फाइंड करना है, तो इस 1 या 2 में किसी एक में सब्स्टिट्यूट करिए, आपको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। सो मैं इक्वेशन नंबर 2 लेता हूँ, x + y = 8 दिया है, तो y क्या होगा, 8, ये इधर गया RHS में, यहाँ ऐड हो रहा था y के साथ, RHS में गया तो सब्ट्रैक्ट होगा, ओके? तो 8 माइनस x का वैल्यू क्या है, 3, तो 3 डाल दो, 8 - 3 = 5, तो y का वैल्यू मिल गया, देयरफॉर x = 3 एंड y = 5। तो ये क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, आइदर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, चाहे सॉल्व दिस इक्वेशन, तो इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब x और y का वैल्यू फाइंड करना, तो इतना आप करोगे इजीली आपको 2 मार्क मिल जाएगा, ओके? अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, थर्ड मेन 17 कर लिए, आंसर लिख दिए या सॉल्यूशन, वो हो गया, अब 18 थर्ड मेन का 18 ऐसे ही है,
इसका सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। फाइंड द सम ऑफ 5 प्लस 8 प्लस 11 अप टू 10 टर्म्स यूजिंग द फॉर्मूला। ओके, तो ये एपी का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन देख के ही समझ जाना है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। तो क्या फाइंड करना है, सम। ओके, तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ, एपी 5 प्लस 8 प्लस 11 प्लस अप टू कहाँ तक, 10 टर्म्स। प्लस 10 नहीं है, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेंथ टर्म तक जितने भी ये एपी कंटिन्यू होंगे उनका सम फाइंड करना है एसएन यूजिंग फॉर्मूला। तो एसएन का फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, हमें एसएन फाइंड करना है। अज्यूम कर लेते हैं एसएन इज क्वेश्चन मार्क। इसमें ए क्या है इस एपी में, ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ 5 दिया है तो ए इज 5। डी क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो यहाँ ऑलरेडी दिया है ए टू माइनस ए वन कर लो, तो ए टू 8 है और ए वन 5 है, तो 8 माइनस 5 इज 3। ए मिल गया, डी मिल गया, और एन nth टर्म क्या है यहाँ पे, 10 है, 10वें नंबर तक, तो n इज 10। तो अब फॉर्मूला आप लिखो, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो n Sn, n के बदले क्या लिखेंगे, 10। तो 10 बाई 2 स्टेप वाइज लिखना, पहले फॉर्मूला फिर सब्सटीट्यूशन देन सॉल्विंग। a का वैल्यू 5 है प्लस n इज 10 माइनस 1 into d, d is how much, अभी हमने find किया यहाँ पे 3। तो ऐसे अब देखो 2 1s और ये 2 5s cancel हो जाएगा, यहाँ बच गया 5। और ये देखिए पहले इनको solve करना, bracket 5 2s 10 plus 10 minus 1 कितना होता है 9, 9 into 3 27। तो ये 5 into 10 plus 27 क्या हो जाएगा, 37। जब आप ये मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो कितना मिलेगा, 7 5 is 35, 3 कैरी, 5 3 is 15, 16 17 18, तो 185 मिला। तो आंसर क्या है, S10 is 185। तो ये फॉर्मूला के ऊपर भी मार्क्स आपको मिलेगा, तो फॉर्मूला भी लिखना जरूरी है, ठीक है। और मैथ्स में स्टेप मार्किंग होते हैं, बाई चांस आपको ये फाइनल आंसर नहीं भी मिला तो हाफ मार्क्स ही कट होगा, ये इतना आप लिखे हो तो 1.5 आराम से मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो 19 का आंसर मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x माइनस 3y, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 8 एंड 2 इंटू के माइनस 4x माइनस के वाई equals to क्या दिया है, k plus 3 ऐसे दिया है, are inconsistent ऐसा दिया है। ओके, हमें k का value find करना है। जब ये linear equation का solution क्या है, if the pair of linear equations are inconsistent, ये ध्यान दीजिए क्या दिया है, inconsistent। तो मैंने already इसको भी explain किया हुआ है, link में आप linear equation के link में देख सकते हैं। देखिए यहाँ भी बता देता हूँ, सो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, जो ये लीनियर इक्वेशन होता है या तो इनकंसिस्टेंट होगा या फिर कंसिस्टेंट होगा या फिर डिपेंडेंट होगा। ओके, अब ये पता कैसे चलता है, देखिए मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, सी आई डी, सी से कंसिस्टेंट, आई से इनकंसिस्टेंट, डी से डिपेंडेंट। ओके, सी आई डी लिख लिया, अब यहाँ लिखता हूँ आई पी सी। आई मतलब लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, P means parallel line, C means coincident line। मतलब अगर ये दोनों equation coincident हैं, ठीक है, यहाँ coincident है मतलब वो dependent होगा, अगर intersecting है lines तो वो consistent होगा, अगर parallel है, क्या बोलते हैं parallel, तब क्या होगा, inconsistent। तो हमें parallel condition को यहाँ पे लिखना, parallel condition क्या होता है, it is a1 by a2 equals to b1 by b2 and which is not equal to c1 by c2। तो हमें बस ये दो में सब्सटीट्यूट करना है, समझ में आया आपको। सो इसमें a1 क्या है, यहीं पे आप देख सकते हैं, यहाँ यहाँ पे a1 है 2, यहाँ a2 है क्या, सॉरी b1, इसको b1 बोलते हैं, b1 है माइनस 3 और c1 है 8, लेकिन हमें सिर्फ a1 a2 b1 b2 चाहिए, तो c1 नहीं लिखे तो भी चलेगा। यहाँ देखिए a2 क्या है, a2 है 2 इंटू के माइनस 4 और b2 क्या है, b2 है माइनस k। अब इसमें सब्सटीट्यूट करिए, सो a1 देखिए 2 है
सो 2 डिवाइडेड बाई ए टू क्या है, 2 इंटू के माइनस 4 है, इक्वल्स टू बी वन क्या है, माइनस 3, और बी टू है माइनस के, करेक्ट, सब्सटीट्यूट हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, करेक्ट, तो ये माइनस 2k हो जाएगा, और ये माइनस इंटू 2, माइनस 3 6, माइनस 3 इंटू 2 6, और ये k माइनस 4। अब आप मल्टीप्लाई करो, 2k इक्वल्स टू 6 इंटू के इज 6k, माइनस इंटू माइनस प्लस 6 इंटू 4 इज 24। अब पूरे k को एक तरफ ला लो, तो ये माइनस 2k, ये LHS में आएगा, तो देखो ये इधर माइनस है, इधर है, तो प्लस 6k हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है 24, तो 6 में से 2 गया, 6 माइनस 2 इज 4k, विच इज इक्वल टू 24, देयरफॉर k इक्वल्स टू 24 बाई यहाँ पे क्या है 4। सो जब सॉल्व करेंगे 4 वन जो 4 6, तो कितना मिला 6, तो k का वैल्यू क्या है, इट इज 6, है ना, बहुत ही ईजी। हाँ ये बहुत ही ईजी है, बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ट्रिक याद रखिए, IPC, CID और लाइंस के कंडीशंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन क्या दिया है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये लीनियर इक्वेशन का था पहला भी लीनियर, तो देखिए लीनियर इक्वेशन में ऑलरेडी 2-2 मार्क्स के दो क्वेश्चन आएंगे, एपी के सिर्फ एक। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 2x square minus 5x plus 3 and hence writes the nature of root, दो दो क्वेश्चन है, तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, 2x square minus 5x plus 3 equals to 0, तो ये क्या है, quadratic equation है, ये कौन से form में है, इस वाले, ax square plus bx plus c equals to 0, तो हमें पहले ऐसे लिख के a लिख लेना है, a क्या है 2, b का value क्या है, a देखिए ये है x का coefficient, x square का coefficient, x का कोएफिशिएंट क्या है b, तो b इज माइनस 5 और c क्या है कांस्टेंट दैट इज प्लस 3, तो हम 3 लिख लेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट को हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, d इज डिस्क्रिमिनेंट, इसका फॉर्मूला क्या है वो सब आना चाहिए आपको, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर क्या होगा, b के बदले माइनस 5 स्क्वायर लिख लिए, माइनस 4 इंटू a है 2 और c है 3, सो जब सॉल्व करेंगे माइनस स्क्वायर होता है प्लस, 5 स्क्वायर होता है 25, और 4 2 is 8, 8 3 is 24, so d का वैल्यू कितना मिला, 24 minus 4, 24 is 1, तो d का वैल्यू मिला है 1, तो ये अब नेचर बताना हमें, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स डिसाइड होंगे d के वैल्यू पे, अगर d लेस देन 0 है, मोर देन 0 है, ओके, या इक्वल टू 0 है, अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ओके, अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स, ओके, और अगर मोर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखना है आपको, रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो यहाँ d क्या है 1 आया हमको, तो हमारा आंसर क्या होगा, द नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रूट्स आर ऐसे लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, सिर्फ इतना लिखना, ये मैं एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि तीनों कोई भी आए आपको रेडी रहना है, रेडी रहना है डिस्टिंक्ट, तो इतना, इसके लिए 1 मार्क होगा और इसके लिए 1 मार्क। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, बहुत ही इजी हैं, 4-8 मार्क्स आप इजिली ले सकते हो। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, तो देखते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। ओके, तो ये पॉलीनोमियल का क्वेश्चन है, और मैंने कहा था ये सिर्फ 1 मार्क और एमसीक्यू का मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, जो कि इस साल नहीं है, सिलेबस से रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो ये मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 2021 एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से, ठीक है, तो ये मैं छोड़ के जाता हूँ सीधा 22 वाले क्वेश्चन पे। ये देखते हैं क्या दिया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स माइनस 5,7 एंड माइनस 1,3, और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 1,6 एंड 4,3 इन द रेशियो दिस। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको आंसर करना है एग्जाम में, बट यहां मैं दोनों सॉल्व कराऊंगा, ये कौन से चैप्टर से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, राइट, तो डिस्टेंस ये इजी लग रहा है तो मैं यही लिखूंगा, पहले तो पॉइंट्स लिख लेते हैं, माइनस 5,7 एंड माइनस 1,3, ठीक है,
तो इसको ये मान लेंगे एक्स वन है, ये वाई वन है, और ये हमारा एक्स टू है, ये वाई टू है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है भाई? हाँ, इट इज करेक्ट, रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वेयर। ओके, ये है हमारा फॉर्मूला। सो ये फॉर्मूला है, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, बस आपको फॉर्मूला लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला तो आधा मार्क मिल जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स टू क्या है? माइनस वन, जब माइनस वन हो तो उसको ब्रैकेट में लिखो, माइनस वन माइनस एक्स वन है, यहाँ पे देखिए अभी माइनस फाइव है, तो इसको भी ब्रैकेट में लिखो माइनस फाइव, क्लोज द ब्रैकेट होल स्क्वेयर प्लस वाई टू। अब ऐसे ये वाला ब्रैकेट डाल सकते हो अगर माइनस ज्यादा है तो, फर्स्ट एंड लास्ट में। ओके, अब क्या दिया है? y2 टू माइनस वाई वन, तो y2 टू देखिए यहाँ पे 3 है और y1 7 है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो, माइनस नहीं होगा, 3 माइनस सेवन होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ब्रैकेट में ही लिखना है, माइनस वन ही रखो, ये देखो माइनस इंटू माइनस प्लस फाइव होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस सेवन होता है माइनस फोर होल स्क्वायर। तो ये अब होगा आपका, ये माइनस वन प्लस फाइव है तो 4 हो जाएगा, पांच माइनस एक चार स्क्वेयर प्लस फोर स्क्वेयर इज हाउ मच, माइनस स्क्वेयर प्लस होता है, फोर स्क्वेयर 16 होता है, तो ये दोनों 16 है, तो फोर फोर स्क्वेयर, फोर स्क्वेयर इज 16 प्लस 16, इट इज रूट 32। इतना लिखोगे आप, और यहाँ यूनिट्स लिखना है, डिस्टेंस है ना, लेंथ यूनिट होगा, इतना लिखोगे तो भी फुल मार्क मिलेगा, या फिर इसको 16 इंटू टू करके, 16 का क्या है स्क्वेयर रूट टू फोर, और ये रूट टू, इतना लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, ये दोनों ही करेक्ट है, इतना लिख के छोड़ दो या इतना, तो भी पूरा मार्क मिलेगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 ही है ये, और वाला जो है, तो ये भी मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस टू इन द रेशियो। मतलब दो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, एक मान लेते हैं ये पॉइंट है 1.6 ये वाला यहाँ पे, और ये पॉइंट है आपका 4.3। इसको रेशियो 1:2 में, मतलब ये m1 1 दिया है और m2 क्या दिया है 2। ठीक है, और ये सब क्या दिए हैं, x x1 y1 और ये है x2 y2। आपको फाइंड क्या करना है, ये पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट, मतलब x कॉमा y फाइंड करना है, राइट। तो उसका फॉर्मूला क्या है, मिड पॉइंट फॉर्मूला है नहीं, सेक्शन फॉर्मूला आपको यूज करना है। वो फॉर्मूला ऐसा है, x कॉमा y इक्वल्स टू x1 m2 प्लस x2 m1 डिवाइडेड बाय x m2 प्लस m1 कॉमा y1 m2 प्लस y2 m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 क्लोज द ब्रैकेट। मतलब ये जो पहला है वो x है और ये जो दूसरा यहाँ पे है ये y है। ओके, तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए गौर आपको क्या करना है, x1 क्या है यहाँ पे 1 कॉमा m2 है 2, ये सही से सब्स्टिट्यूट करना है, x2 आपका है 4 और m1 है 1। ठीक है, यहाँ गड़बड़ हुई तो समझ लीजिए आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ y2 क्या है 3 है, सॉरी y1 देखिए यहीं पे गड़बड़ आ गया, y1 6 है, तो ये 3 नहीं 6 इंटू एम टू आपका 2 है प्लस y2 3 है और m1 आपका 1 है डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 प्लस 2। तो ये सब्स्टिट्यूशन सही से होना चाहिए, इसीलिए मैं बोला आपको यहाँ ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, x1 y1 x2 y2, तब कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। और 2 प्लस 4 2 1 2 डिवाइडेड बाई 3 कॉमा 6 2 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये हो गया 6 बाई 3 कॉमा 12 प्लस 3 15 बाई 3, सो 3 2 6 और ये 3 5, तो क्या मिला 2 कॉमा 5, सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, आंसर क्या है 2 कॉमा 5। तो ये बहुत ही सिंपल है, बस दिखने में थोड़ा आपको अलग लगेगा, बट आप जब सॉल्व करोगे अच्छे से तो ईजिली आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही, ठीक है, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर देते हैं अभी। सो क्वेश्चन क्या दिया है, द पॉइंट्स ए
बी पॉइंट्स अब देख लो, मैं सिर्फ ए बी सी पढ़ रहा हूँ, के नॉट बी द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी जस्टिफाई, मतलब पॉइंट्स तीन पॉइंट्स दिए हैं, ए एक पॉइंट है 1,1, बी एक पॉइंट है 3,2 और तीसरा सी पॉइंट है 5,3। अब बोल रहे हैं ये तीन पॉइंट अगर है और वो तीनों वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल नहीं है, करेक्ट, तो अगर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल नहीं है, समझ लो ऐसे ही कोई लाइन होता, ट्रायंगल नहीं है, ज्वाइन नहीं है, बस एक लाइन है, ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि वो ट्रायंगल का वर्टिसेस है कि नहीं। एक, अगर ये ट्रायंगल होते तो एरिया जरूर कुछ आता, राइट, एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक जो फॉर्मूला है वो जब सब्सटीट्यूट करोगे तो एरिया जरूर कुछ ना कुछ होगा। बट अगर जब ये खुद बोल रहे हैं दे के नॉट बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, मतलब एरिया क्या होना चाहिए, इट शुड बी जीरो, ट्रायंगल नहीं होगा तभी ना वो जीरो होगा, तो हमें यही प्रूफ करना है कि एरिया इज जीरो और नॉट। तो चेक करते हैं, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है हाफ इंटू, क्या है फॉर्मूला, आपको पूरे फॉर्मूले आने चाहिए, तो देखिए इसका फॉर्मूला है, पहले एक्स वन लिख दो, देखो ऐसे 1, 2, ठीक है 1, 2, 3 ऐसे याद रखो, ये x1, ये समझ लो है x1 y1, ये है x2 y2 और ये है x3 y3, ये आपको ऐसे लिख लेना है, करेक्ट, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ओके। अब x1 फॉर्मूला पहले लिखना है, फॉर्मूला क्या है, x1 इंटू, देखो बाकी दो 1 लिख लिए तो यहाँ पे y2 minus y3 प्लस 1 के बाद क्या आता है 2, सो x2 इंटू 2 के बाद 3 माइनस 1, तो y3 माइनस y1 प्लस 2 के बाद वंस अगेन 3, 3 के बाद क्या आता है 1 माइनस 2, राइट, तो 1 माइनस y2, ये आपको याद रखना है फॉर्मूला, ट्रिक से याद रखिए, ये रहेगा। अब सब्सटीट्यूट करिए, बस हाफ इंटू x1 आप सही से देख के यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, y2 है 2 माइनस y3 है 3 प्लस x2 है 3 कॉमा y3 है 3 माइनस y1 है 1 प्लस x3 कितना है, x3 है 5 इंटू y1 दिया गया है 1 माइनस y2 कितना है 2, तो मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर लिया, कुछ मिस्टेक हो तो आप वेरी चेक कर लो, तो ये 1 इंटू 2 माइनस 3 होगा माइनस 1, है ना, 3 में से 2 गया और ये साइन 3 का बड़ा इसलिए माइनस 1, प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 यहाँ प्लस 2 होगा, प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो देखो 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 1, 3 इंटू 2 इज 6 और ये 5 इंटू 1 इज 5, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो हाफ इंटू माइनस 1 और माइनस 5 माइनस 6 हो जाएगा और ये प्लस 6 है, 6 माइनस 6 क्या होता है 0, हाफ इंटू 0 इज क्या 0, तो देखो एरिया का वैल्यू क्या मिला 0, राइट, तब हम बोल सकते हैं सिंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 दीज वर्टिसेस के नॉट फॉर्म द ट्रायंगल, समझ में आया आपको, तो ऐसे आपको पहले एरिया 0 दिखाना है और बाद में जस्टिफाई भी करना है कि सिंस दे आर द एरिया इज नॉट द एरिया इज इक्वल टू 0 वी कैन नॉट से द वर्टिसेस फॉर्म्स ए ट्रायंगल, समझ में आया ना, बहुत ही ईजी है, आप आराम से कर सकते हो, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसको कैसे यूज करना है वो, ठीक है। तो देखिए दो क्वेश्चन हो गया सीजी का, अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है, ये सर्कल से दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन से, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 विच आर इंक्लाइंड, विच आर, तो ये विच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंजेंट को, द टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल 60 डिग्री, तो मैं अगर रफली आपको दिखाऊं तो ऐसा एक सर्कल है, समझ लो ये दो ऐसे रेडियस है, इसके ऊपर दो टेंजेंट बना रहा हूँ, तो ये एक टेंजेंट हो गया और यहाँ से ये एक टेंजेंट, तो ये टेंजेंट P है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B और ये O, तो यहाँ जो दिया है रेडियस 3 सेंटीमीटर, मतलब ये 3 होने चाहिए और ये यहाँ ओ बी भी 3, ओ ए ओ बी 3 ही है, और ए पी बी ये जो एंगल है वो दिया गया है 60 डिग्री, ओके समझ में आया आपको, ये एंगल इंक्लाइंड टू ईच अदर बिटवीन द टेंजेंट्स, क्वेश्चन गौर से पढ़ो, टेंजेंट्स, ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू ए सर्कल
3 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड, तो क्या इंक्लाइंड, ये पेयर ऑफ टैंजेंट्स, दोनों टैंजेंट्स के बीच का जो एंगल इंक्लाइंड है वो 60 डिग्री है। तो ये जब 60 होगा ये कितना होगा, ये मैंने बताया था वन मार्क क्वेश्चन में ही कि इसको 180 से माइनस कर देना है, तो वो मिल जाएगा आपको 120। सबसे पहले तो ये फाइंड करना है, ठीक है, एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ आपको कितना एंगल चाहिए, ये चाहिए 120। वो जरूरी क्यों है बताता हूँ मैं आपको जब सॉल्व करेंगे 120। तो सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है, ठीक है, ऑफ रेडियस क्या दिया है 3 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे सेंटर है 3 सेंटीमीटर मार्क कर लीजिए। अब ऐसे मत करिए, ठीक है, ऐसे करेंगे तो भी सही है बट आपका टेंजेंट ऐसा कुछ आएगा। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ, ये ऐसे रहा तो भी चलेगा, ये ओ है समझ लो, ये बी है, ऐसे कितना है ये 3 सेंटीमीटर। अब यहां से आपका एंगल होना चाहिए कितना 120 डिग्री, ठीक है। तो अब जब ये प्रोट्रैक्टर रखोगे तो जीरो इधर से काउंट करो क्योंकि लाइन इधर है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे कुछ इस तरफ आएगा 120। तो आप ऐसे मार्क कर लो और इसका नाम दे दो ए। समझ में आया? अब मैंने ऑलरेडी बता रखा है ये एंगल 90 डिग्री होता है, ये 90 मतलब इसको आपको 90 यहाँ पे प्लॉट करना है। वो कैसे करोगे, देखो इसको एक्सटेंड कर दो ऐसे। अब यहाँ पे अपना कॉम्पास रखो, यहाँ से एक आर्क ऐसे कट करो, समझ में आया, यहाँ सेंटर नीडल यहाँ होना चाहिए, पेंसिल इस तरफ ऐसे आर्क कट करोगे, फिर यहाँ पे आप नीडल रखो, इस पे कट करो, ये जितना डिस्टेंस है यहाँ पे भी रख के इतना ही कट करो, फिर इन दोनों से एक कॉमन पॉइंट ऐसे कर लो। सेम यहाँ भी वही करना है, इसको खींच के यहाँ नीडल रख के पॉइंटर रख के कॉम्पास का ऐसे एक 180 डिग्री का आर्क, फिर यहाँ रख के इस पे कट करोगे, ये जितना डिस्टेंस है यहाँ रख के ऐसे कट, फिर ऐसे ऐसे, और ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना इससे ऐसे उसको ज्वाइन एक्सटेंड कर दो, यहाँ भी ये जो इंटरसेक्टिंग होगा ऐसे ज्वाइन कर दो, वो दोनों जाके कहीं पे मिलेगा, समझ लो यहाँ मिल रहा है, वही आपका पॉइंट पी है, वो एंगल हो जाएगा 60, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला लाइन मत डालना, देखो सीधा आ गया ना। आप क्या कर सकते हो, जब ये बनाओगे तो आप इस तरफ ले लो ऐसे, यहाँ से मेजर करना, तब आपका सीधा इस तरफ आएगा, ओके। मेथड वही है बट रेडियस इस तरफ खींचना, सीधा नहीं, जैसे मैंने यहाँ पे करके बताया। और लास्ट में आपको लिखना है पी ए एंड पी बी आर दी टैंजेंट्स, ओके, टू द सर्कल विथ रेडियस विथ द सेंटर ओ, एंड एंगल बिटवीन, ये भी लिखना है, एंगल बिटवीन क्या है ये टैंजेंट्स इक्वल्स टू कितना है वो 60 डिग्री, वो आप मेजर कर लेना 60 डिग्री ही होगा, ओके। सो ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व करे हैं बहुत ही इजी हैं, आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अगर आया है तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए और वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय, हैव ए गुड डे।